इंस्टेंट मूंग की दाल की बहुत ज़्यादा हेल्दी इडली बनाने के लिए एक दो बातें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती हैं तो यहाँ पर मैं एक कप मूंग की दाल ली है इसको एक से दो घंटे आप भिगो सकते हैं या फिर आपको ज़्यादा टाइम है तो आप होल नाइट ओवर नाइट भी भिगो सकते हैं इसको पानी एक दो बार अच्छे से धो लेंगे तब भिगोएंगे और जो पानी है भीगने के बाद में सारा पानी फेंक देना है अब इसको जाल में डाला हमने अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि पानी हमें बहुत ही कम डालना होता है मूंग की दाल में अगर आपने पानी थोड़ा भी ज़्यादा डाल दिया तो बहुत ही स्पॉन्जी इडली नहीं बनती हैं और बहुत ही चिपचिपी सी बनती है तो हमने एक कप डाल ली थी उसके लिए वन फोर्थ कप पानी डाल के बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेना एक कोई भी बोल आप सेट कर लीजिए उसमें डाल लीजिए उसी का ही एक चौथाई भाग आपको पानी लेना है और इस तरीके से आपको गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना के रेडी कर लेना आप देख सकते हैं वीडियो में काफ़ी थिक पेस्ट है और बहुत थिक भी मत बनाएगा नहीं तो इडली फिर कड़ी हो जाती है इसके नमक डाला है वन फोर्थ कप जो इससे आपने पानी डाला होगा वन फोर्थ कप किसी भी मेजरिंग कप से या फिर कटोरी से उसी से या आप वन फोर्थ कप गाजर शिमला मिर्च धनिया वगैरह आप डाल सकते हैं और हरी मिर्च डाल देंगे यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है अगर आपने सब्जियाँ ज़्यादा डाल दी तो आपकी पानी की क्वान्टिटी क्योंकि सब्जियों में ज़्यादा होती है तो उससे चांसेस होते हैं कि जो दाल का पेस्ट है ना वो थोड़ा सा पानी वाला हो जाए तो इस वजह से सारी चीज़ें आप हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा कि पानी बहुत ज़्यादा ना हो अगर आपने वन फर फोर्थ कप पानी ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी अगर आप दही डालना चाहते हैं तो उस हिसाब से पानी की क्वांटिटी आपको और कम करनी पड़ेगी क्योंकि दही में भी थोड़ा पानी होता है अगर आपने दही डाल के दाल को फेटी तो यहाँ पे मिक्सचर रेडी हो चुका है अभी इसमें बेकिंग सोडा नहीं ऐड करेंगे पहले सारी प्रिपरेशन कर लेंगे तो यहाँ पे इडली जो मोल्ड होते हैं उसमें अच्छी तरीके से ऑयल लगा देना है ताकि इडली बिल्कुल भी ना चिपके जब इसे निकालें और साथ ही में पानी भी इस तरीके से उबलना चाहिए जब बेकिंग सोडा आपको ऐड करना है यहाँ पर मिक्सर को रखे फिफ्टीन मिनट्स हो चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जियों का थोड़ा पानी छूट चुका है और इसको अच्छे से मिक्स करना है अब इसमें सिर्फ वन फोर टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है या फिर जो इनो आता है वो आप आधा पाउच डाल सकते हैं उससे ज़्यादा ना डालें ज़्यादा ऐड करने से सारी चीज़ें इडली का टेस्ट में सोडे का टेस्ट ज़्यादा पता चलेगा फिर इडली खाने में नहीं अच्छी लगेंगी और जो आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें वो फ्रेश है तो आपकी इडली ज़्यादा स्पॉन्जी बनेगी अगर बहुत पुराना सोडा हो जाए बेकिंग सोडा तो अगर आपने ऐड करा तो उससे इडली स्पॉन्जी नहीं बनती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है और सिर्फ चार चुटकी आप नाप के बहुत ही कम बेकिंग सोडा आपको इस्तेमाल करना है और इसको थर्टी सेकेंड्स के लिए अच्छी तरीके से हमें फेट लेना है थोड़ा सा हमें ऑयल इसमें डालना है इसके अंदर आप मिक्सचर के अंदर तड़का भी लगा सकते हैं वन टीस्पून ऑयल के साथ में जो सरसों के दाने आते हैं और करी पत्ते के साथ में लेकिन आपने तड़का नहीं लगाया है ना ही हमने दही का भी इस्तेमाल करा था इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा तेल डालने के बाद में और फटाफट से हमें इडली जो मोल्ड है उसमें हमें डाल देना है थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि फूल जाती हैं अब जो पानी बॉयल हो रहा है उसके अंदर रख देंगे और ये बहुत ही जल्दी से स्टीम हो जाती है इसे आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको स्टीम होने में फ्लेम को हाई रखना है जब ये जल्दी से एक चटनी बना लेते हैं जहाँ हमने जार में लिया है आधा कप कोकोनट आपका फ्रेश कोकोनट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं तो कोकोनट फ्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं वन फोर्थ कप भुना हुआ चना लिया है उसको धो लेना है चने को एक बार और यहाँ पर एक मुठ्ठी हमने धनिया इस्तेमाल करी है हरी मिर्च और नमक डालेंगे और पानी डाल के इसको फाइन सा पेस्ट बना के रेडी कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चटनी इसमें एक तड़का लगाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने तेल लिया है इसके अंदर सरसों के दाने थोड़ा सा खड़ी मिर्च डाल दी देखने के लिए और इसके अंदर आप करी पत्ता भी डाल सकते हैं उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब चीज़ों को भून लेंगे और इस तड़के को डाल देते हैं इस अपने चटनी के अंदर और हमारी इंस्टेंट चटनी बन रेडी हो चुकी है दूसरी तरफ हमारी जो इडली दस से बारह मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा और तुरंत इसको डीमोल्ड नहीं करना है पंद्रह बीस मिनट रख देंगे ताकि ठंडी हो जाए उसके बाद इस तरीके से आपको आराम से डीमोल्ड हो जाती हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी इडली बन रेडी हो जाती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सब्ज़ियों के साथ में मूंग की दाल का नाश्ता बन के रेडी हो जाता है सब्जियां डालने से बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रहती क्योंकि दालें थोड़ी हैवी रहती हैं कभी कभी अच्छे से डायजेस्ट नहीं होती सब्जियां डालने से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हमारा नाश्ता बन के रेडी हो जाता है आप देख सकते हैं बहुत ही स्पॉन्जी के रेडी हुई अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा शेयर करें पौष्टिक खाना जो कि हमारे चैनल का नाम है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉच